सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है एसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवर। तो चलिए शुरू करते हैं। वन प्लस अपने ले आया है अपडेट और ये भी अपने यूजर्स के लिए जो अपडेट लेकर आया है, ये जो मोबाइल है ये है वन प्लस सिक्स और उसके साथ जो भी इसमें फीचर्स आए हैं वो वन प्लस सिक्स टी के आए हैं और उसमें जो आज हम बात करेंगे कि इन फीचर का क्या काम है हमारे मोबाइल में और उसके साथ हमें ये कैसे मिले हैं, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस दौरान आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएन अली, आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवर, तो जल्दी से रेडी हो जाएं। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी जाते हैं फ्रेंड्स भूल जाते हैं आप तो काफी मुश्किल हो जाती है। तो अभी से ही आप इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ वीडियो को भी कर दीजिए लाइक और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि सारी डिटेल आपको पहले से ही पता चल जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है ये एक तरह से वन प्लस सिक्स में आई है अपडेट और ये जो भी फीचर्स आए हैं वो वन प्लस सिक्स टी के आए हैं। तो इस दौरान वन प्लस में अगर आप फीचर के बारे में बात करें तो कौन कौन से फीचर हैं जो वन प्लस सिक्स टी में है, जो कि अभी फोन काफी आया है, न्यू फोन है, तो इसमें जो भी फीचर हैं वो है नेटस्केप आता है, उसके साथ कैमरा मोड वगैरह आते हैं, बाहर की बात है, उसके बाद जो नेविगेशन गेस्चर है और स्टूडियो लाइटनिंग है, कैमरा में जो इफेक्ट है और उसके साथ काफी फीचर अलग है। इसके बारे में सिर्फ हम मुख्तसर सी बात कर रहे हैं, वैसे अकेला ये जो फोन न्यू आया है इसमें सिर्फ ये दो तीन ही फीचर नहीं है और काफी अच्छे फीचर है उसमें भी। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आई है ऑक्सीजन ओएस की जो अपडेट है वो है 9.0.2 और इसकी जो अपडेट आई है वो वन प्लस सिक्स के लिए है, वन प्लस सिक्स टी के लिए नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हम इसके फीचर्स हैं इसके बारे में बात कर लें मजीद, तो उसमें हमें क्या क्या मिला है, जैसे कि हम उस पर बात कर सकें नेविगेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें ब्रांड न्यू नेविगेशन गेस्चर है और उसके बाद जो आता है हमारा जो इम्प्रूव है यूआई जो होता है उसे इम्प्रूव किया गया है, जो कि हमारे अबाउट फोन के लिए होता है एक तरह से। अब आप ये सकते हैं कि हमें एक तरह से इंटरफेस न्यू मिल जाएगा उसमें वन प्लस सिक्स में। और उसके साथ फ्रेंड, जो इसमें ऑप्टिमाइज हुई है, स्टैंड बाय पावर हुई है और उसके बाद इसमें जो आता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेजेस लेटेस्ट है, मतलब कि अपडेट हुई है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर इसके मैं गूगल असिस्टेंट के बारे में बात करूं तो वैसे ये हमने उसमें वन प्लस सिक्स में नहीं बात किया, मगर हमने बात की है कि मुख्तसर से जो भी फीचर है उनके लिए बात की है। तो इस दौरान अब इसमें बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि वन जो कि गूगल असिस्टेंट है इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से अब हम इसे लॉन्च कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकता है ये फोन। तो ये इसकी जो स्टार्ट होने की पावर, लॉन्च होने की पावर, वो ये है कि 0.5 सेकंड तक जैसे ही हम अपना पावर बटन प्रेस करके रखते हैं तो उसी दौरान ये कर देता है उसे लॉन्च। और ये उसके बाद ये कैसे उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इसमें अपडेट आई है, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। और उसके बाद फ्रेंड्स, बग फिक्सेस हैं और उसके साथ इम्प्रूवमेंट काफी आई है। और उसके कैमरा के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो क्या इसमें मिला है हमें कैमरा के तौर पर, तो उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो नाइटस्केप है वो इसमें ऐड किया गया है, मतलब एक तरह से फीचर के तौर पर इसे ऐड किया गया है। और उसके बाद इसमें स्टूडियो लाइटनिंग भी आ गई है और उसमें फ्रेंड्स ये जो अपडेट है ये एक तरह से इसका जो साइज है वो है 1.5 GB। तो अगर आप इसे डेटा कनेक्शन पर अपडेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, आप इस पर ऊपर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि कोई पता नहीं है किस वक्त क्या हो जाए, तो इस दौरान वाईफाई पर ही इसे अपलोड कीजिए डाउनलोड। वैसे भी आपको शायद मोबाइल नहीं करने देगा डेटा कनेक्शन पर डाउनलोड, तो आपको करना पड़ेगा इसे वाईफाई पर डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, ये जो फीचर एक तरह से हमें मिल गए हैं और उसके साथ ये जो वन प्लस सिक्स की जो मोबाइल है ये भी काफी बेस्ट है, उसमें जो फीचर वन प्लस सिक्स में ही हमें मिल गए हैं तो ये वन प्लस सिक्स के जो भी यूजर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी बात है। तो इस दौरान फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी मैसेज है या कमेंट है या अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे एक तरह से आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और उसके साथ मेरा ट्विटर पर भी पेज है और यूट्यूब पर भी, और यूट्यूब पर पहले चैनल ही है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, इस दौरान फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।